मैं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहेगा मतलब वेनस अगर आपके सो so कॉल्ड दुष्टाना हाउसेस लाइक सिक्स हाउस एट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है तो एक्चुअली वो किस टाइप के चैलेंजेस आपके लाइफ में देते होंगे और आपका मैरिड लाइफ क्या सच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा अगर आपका जो वेनस है वो ये तीन हाउसेस में से किसी भी एक हाउस में प्लेस्ड है बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वेनस मेरा सिक्स में है तो क्या ये डिवोर्स इंडिकेट करता है या फिर एट्थ में है तो क्या बहुत ज़्यादा लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहेंगे उसी के आंसर्स हम आज इस वीडियो के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं ठीक है तो थोड़ा डिटेल में आप जानेंगे कि ये तीन प्लेसमेंट एक्चुअली क्या इंडिक करता है और अगर आप कोई भी टाइप के चैलेंज फेस कर रहे हो इस प्लेसमेंट के लिए तो आप उन सारी चैलेंजेस से कैसे डील कर सकते हो ठीक है पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए वहां से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए डिस्कशन पे चलते हैं अब देखिए वेनस अगर फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके सिक्सथ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे सिक्स हाउस क्या इंडिकेट करता है सिक्स हाउस देखिए आपको पता होगा कि कन्फ्लिक्स का हाउस है आपके एनिमीज़ को दिखाता है आपके हेल्थ इश्यूज डिजीजेस को दिखाता है आपके यहाँ पे आपके कलीग्स को भी शो करता है और सिक्स्थ हाउस कहीं ना कहीं मतलब चैलेंजेस आपके लाइफ में जो भी कंपिटिशंस आएंगे उन सारी चीज़ों को हम सिक्स हाउस से देख सकते हैं तो इसी वजह से वेनस जो कि एक लव रिलेशनशिप रिलेटेड प्लानट है मैरिज रिलेटेड मैरिटल ब्लिस को दिखाता है तो वो जब ये कन्फ्लिक्ट रिलेटेड हाउस में चला जाता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता बट यहाँ पे एक्चुअल जो बात रहती है वो ये है कि ये जिस पर्सन के चार्ट में है अगर ये पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ऐसे कन्फ्लिक्टड टाइप ऑफ पर्सन है मतलब इनको कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे झगड़ालू नेचर के होंगे ऐसे बिल्कुल नहीं होते ये लोग ये लोग एक्चुअली कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं पसंद करते और कहीं ना कहीं ये लोग जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट देखते हैं वहाँ पर अपना हारमोनी ये मेनटेन करने की कोशिश करते हैं मतलब दोनों अगर लोग रहे हैं तो ये ऐसे पर्सन होंगे कि उस झगड़े का रीजन पता करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये लोग तो ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं इन लोगों के अंदर एक हीलिंग एट्रीब्यूट ज़रूर नजर आएगा जो कि कहीं ना कहीं ये लोग इसीलिए मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं या फिर इनका जो लव रहता है वो एनिमल्स की तरफ भी ज्यादातर देखा गया है क्योंकि सिक्स हाउस छोटे एनिमल्स पेट एनिमल्स को दिखाता है और ट्वेल्थ हाउस कहीं ना कहीं जो भी बिग एनिमल्स है उनको दिखाता है तो इसीलिए ट्वेल्थ हाउस में भी वेनस का एस्पेक्ट जा रहा है तो इस वजह से एनिमल लवर ये लोग होते हैं तो अब आप ही सोचिए जो लोग इतने ज़्यादा एनिमल लवर हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने वाले होते हैं इनका मैरिड लाइफ किस तरीके से बिगाड़ सकता है तो इसका ये रीज़न है बेसिकली ये लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं मतलब ये लोग अगर क्रिएटिव सेक्टर में जाते हैं तो कोई भी डिज़ाइनिंग रिलेटेड फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं क्योंकि ये लोग किसी भी काम के माइन्यूट डिटेल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता होगा मतलब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और एनालिटिकल नेचर वाले ये लोग होते हैं और अपने क्रिएटिव फील्ड में भी अगर है तो इसी टाइप के वर्क में ये लोग ज़्यादा अच्छे करते हैं या फिर ये लोग मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे कर सकते हैं फाइनेंस रिलेटेड कोई भी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेटिव नेचर है या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान दे कुछ भी काम करना ये बहुत अच्छा है बट ये ही नेचर ये लोग अपने रिलेशनशिप में भी लेके आते हैं मतलब अपने पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को भी ये बहुत ज़्यादा मतलब अनदेखा नहीं कर पाते हैं इनको कहीं ना कहीं इस टाइप के पार्टनर चाहिए रहता है जो बहुत ज़्यादा यू नो हेल्थ रिलेटेड मैटर में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन हो मतलब अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहे मतलब एक अच्छे से डाइट मेंटेन करते हो और लुक uh, वाइज भी अच्छे हो और कहीं ना कहीं करियर वाइज भी अच्छे हो तो मतलब हर तरीके से परफेक्ट हो इस टाइप के पार्टनर इनको चाहिए रहता है बट इनको यहाँ पे ये छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है क्योंकि आपको यहाँ पे देखना होगा कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता इम परफेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ब्यूटीफुल होता है तो आप लोग को ये बात समझने की ज़रूरत है अब देखिए आप लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर की भूल को या फिर कोई भी गलती को अगर आ, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करोगे तो आपके पार्टनर लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं तो यहाँ पे मतलब छोटी छोटी बात पे आप उनको टोक देते होंगे अगर वो अच्छे से ड्रेसअप नहीं होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं खाते हैं या फिर थोड़े से बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन नहीं रहते हैं मतलब थोड़े से गंदे रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सा हो जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपका एम ये रहता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे करें और बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें अचीव करें ये आपका मेन नेम रहता है आपका एम ये नहीं रहता कि आप उनको हर्ट करो बट आपको ये समझना होगा कि आप अगर किसी पर्सन को समझा रहे हो तो एक आ, मतलब वे होता है वहाँ पे तो उस आ, समझने की आ, मतलब वो समझाने की जो वे है वो आपको यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है ठीक है तो ही आप दोनों के बीच चीज़ें सॉल्व हो जाएगी तो आपका जो यहाँ पर कैलकुलेटिव या फिर प्रैक्टिकल नेचर है वो रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं हावी होने देना है

ठीक है ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों का लव लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है जो कि अच्छी बात है जैसे कि कोई भी पार्टनर की छोटी मोटी काम आप कर देते होंगे जैसे कि वो आ, कुछ भी हो सकता है मतलब आयरन कर देते होंगे आप उनके कपड़े या फिर लॉन्ड्री वगैरह या फिर कुकिंग कर देते होंगे अपने पार्टनर के लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मतलब पार्टनर अगर जब बीमार होते होंगे आप उनका बहुत ज़्यादा सेवा करते होंगे ऐसा भी देखा गया है तो तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा अप्लाई कीजिए और जो नेगेटिव जो कुछ पॉइंट्स मैंने बोला है उसको अवॉइड करके चलने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है और आप जितना ज़्यादा मैरिज के बाद चैरिटेबल वर्क करते रहोगे एन वगैरह में इन्वॉल्व रहोगे या फिर कुछ भी एनिमल्स के लिए भी कुछ करोगे तो आप देखोगे आपका जो मैरिड लाइफ है वो यहाँ पर धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा और आपके नेचर में थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आपको पे लाना होगा वैसे तो ये लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड भी करते हैं मनी मतलब पार्टनर को खुश करने के लिए आ, मतलब अगर पार्टनर यहाँ पे प्रॉब्लम में है तो ये अपने ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं ये लोग ये अपने पार्टनर के लिए स्पेंड करते हैं ऐसा देखा गया है मतलब आप लोग गिविंग नेचर वाले हो और तो इसी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे पर्सनस भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जिनको आपकी हीलिंग पावर की जरूरत है क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेचुरल हीलर हो यहाँ पे देखिए आप आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हो और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो और वेनस आपके सिक्स में है तो आपको अभी से हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोगों का कुछ भी स्वीट स्क्रेविंग वगैरह हो सकता है बहुत ज़्यादा uh, तो इस वजह से कुछ डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है अगर वेनस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफ्क्टेड है तो इसी आपको उस सारी चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोग अपनी ड्रेसिंग को ले भी या फिर uh, आप कैसे दिख रहे हो इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो आप खुद के ऊपर भी क्रिटिकल हो जाते हो कभी कभी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है अपने आप से प्यार कीजिए अपने पार्टनर से ओपन हार्टेडली होल हार्टेडली प्यार कीजिए और एक आ, कम्युनिकेशन रखिए बहुत अच्छा कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर के साथ हाँ अब अगर आपका सेवेंथ लॉर्ड भी सपोज खराब है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फिर बढ़ सकती हैं ठीक है बट यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को आप सॉल्व करके और हाँ यहाँ पे प्रारब्ध हाउस भी है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं में, में होकर भी अगर साइन अच्छा मिला है नक्षत्र अच्छा मिला है एस्पेक्ट अच्छा मिला है तो आपको यहाँ पे गुड रिजल्ट भी मिल सकता है एक सर्टेन एज के बाद क्योंकि सिक्स हाउस आपका ग्रोथ हाउस या फिर उपचया हाउस भी है और यहाँ पर ये लोग अपने वर्क एनवाट में अपने कलीग्स के साथ भी बहुत अच्छे से अपना रिलेशन करके रखते हैं ऐसा भी देखा गया है अब देखिए अगर वेनस आपके एट्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लेसमेंट वेनस के लिए इसीलिए हो जाता है क्योंकि वेनस यहाँ पे देखिए एट्थ हाउस क्या डिनोट करता है आपके डेथ और रिबर्थ को इंडिकेट करता है लाइफ में हर तरीके की सडन चेंजेस सडन ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है आपका डीप साइकोलॉजिकल इश्यूज ट्रॉमा बैगेजेस वो सारी चीज़ें हम ऐट्थ हाउस से देख सकते हैं एइथ हाउस रिलेटेड जो पेन होता है वो आप दूसरों के साथ ऐसे ओपनली शेयर नहीं कर सकते तो वो कहीं ना कहीं डीप पेन रहता है इंटेंस पेन रहता है और आपके यहाँ पर सेक्शल एक्टिविटीज़ भी एटथ हाउस माना जाता है ठीक है तो एट्थ हाउस आपके इनहेरिटेंस को भी दिखाता है आपके इन लॉज को भी दिखाता है अब देखिए वेनस जो कि आपके लव लैंग्वेज आपके लव रिलेशनशिप आपके मैरिटल ब्लिस को दिखाता है आपके यहाँ पे फिनेंसिस को भी दिखाता है तो वेनस जब भी एट्थ हाउस में बैठता है तो यहाँ पे आप ये समझ लो इस पर्सन के लाइफ में लव रिलेशनशिप बोलिए मैरिज बोलिए ड्रामा तो वहाँ पर रहेगा ही मतलब ऐसे मतलब स्मूद एक मतलब मैरिज हो गया मतलब एकदम बहुत अच्छा चल रहा है बहुत साल तक कुछ नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हमेशा कहीं ना कहीं सडन कुछ चेंज सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनके रिलेशनशिप में चलता ही रहेगा और यहाँ पे ये पर्सन उस रिलेशनशिप के थ्रू ये कहीं ना कहीं वो डेथ और रिबर्थ वाली जो बात मैंने कही वो ये फील करेंगे मतलब आ, यहाँ पे लव रिलेशनशिप ही इनके लाइफ में बहुत तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादातर देखी गई है कि मतलब पर्सन किसी रिलेशनशिप में था उनको इतना ज़्यादा वहाँ पे कुछ ऐसा फील हुआ या फिर वहाँ से कुछ ऐसी लेसन्स मिली जो ये अपने लाइफ में उसको पॉजिटिवली अप्लाई करके अगर पॉजिटिवली अप्लाई करते हैं तो बहुत दूर तक ये प्रोग्रेस कर सकते हैं और अगर नेगेटिवली करते हैं तो ये इनके हाथ में है तो वहाँ पे वो नेगेटिवली भी वो उसका असर आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे बेसिकली ये लोग अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं अपने फिनेंसिस को भी प्राइवेट रखने की कोशिश करते हैं ये लोग ज़्यादा दूसरों के साथ इन सारी मैटर्स को लेके कि इनके लाइफ में रिलेशनशिप में मैरिज में क्या चल रहा है ज़्यादा स करना ये लोग पसंद नहीं करते और इसीलिए ये अपने पार्टनर को भी उसी टाइप के ही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब मतलब ओपन हो ठीक है बट मतलब ऐसा पार्टनर इनको नहीं चाहिए होगा जो हमेशा हर किसी के साथ बात करता है हर किसी के आ, हर किसी को एक ही टाइप का आ, मतलब आ, समझ रहा है या फिर एक ही तरीके से हर किसी के साथ यहाँ पे घुल मिल रहा है तो ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता होगा थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर वाले इंसान ही इनको ज़्यादा पसंद होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि आ, मतलब ये लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाना ऑब्सेशन भी कभी कभी काम करता है या फिर इसी टाइप के पर्सन ये अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं ऐसा देखा गया है थोड़ा सा देखिए एट्थ हाउस आपके टैबू को भी दिखाता है मतलब यहाँ पर अगर राहू का किसी तरीके से इम्पैक्ट पड़ गया तो यहाँ पर इस टाइप का आपका रिलेशनशिप रह सकता है जो टैबू टाइप का हो मतलब जो किसी को आप बता नहीं सकते इधर आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप किसी को बताओ या फिर आप जिनके के साथ रिलेशनशिप में हो वो सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं है मतलब सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो जिस वजह से आप अपने रिलेशनशिप की जो स्टेटस है वो किसी को नहीं बता पाते ये भी कभी कभी देखा गया है यहाँ पर वेनस अगर एट्थ हाउस में है और नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है तो अगर आप यंग एज में हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की के आपको ज़रूरत है क्योंकि बहुत लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं मैं ओपनली यहाँ पे बोल रही हूँ कि सिर्फ आपसे फिजिकल होना चाहते हैं सिर्फ आपसे वो कहीं ना कहीं बस एक सेक्शुअल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं आपके एडवांटेज आपका लेने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है अगर आप बिलो ट्वेंटी एज के हो स्पेशली और यहाँ पे आपको मतलब आप लोग ऐसे हो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप प्रेफर करते हो मतलब आपके लिए अगर प्यार है तो है अदरवाइज अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो इस टाइप के आपकी थिंकिंग रहती है आप लोग ऑनेस्टी को लॉयल्टी को बहुत प्रायरिटी देते हो तो ये चीज़ देखी गई है तो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसीलिए आप लोगों को मतलब ऐसे किसी इंसान को यहाँ पे लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना है जो आपके ऑनेस्टी का वैल्यू ना दे तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बट आप को यहाँ पे ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं मैरिज के बाद आपके अगर वेनस यहाँ पे अच्छे वे में प्लेस्ड है तो इन लॉस से आपको बेनिफिट्स भी मिल सकता है इनहेरिटेंस वग़ैरह के लिए भी वेनस का एट में बैठना अच्छा माना जाता है और यहाँ पे देखिए आपके अंदर ही वो कहीं ना कहीं एक और है जो लोगों को बहुत ज़्यादा आपके तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट करता है अब देखिए वो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती है इधर आपका फेस आ, मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है कहीं ना कहीं वेना सेट में बैठ के अगर फीमेल के चार्ट में हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काइंड ऑफ सिडक्टिव लुक यहाँ पर दे देता है जिस वजह से आप कहीं ना कहीं गलत इंसान को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अप एंड डाउन ट्रांसफॉर्मेशन डीप इंटेंस पेन आपको यहाँ पे मिलेगा रिले से, तो उसको आपको पार करने की ज़रूरत है और जिस वजह से मैं ये बोलूँगी कि आ... मैरिज के बाद आप कहीं ना कहीं मतलब अगर ये कुछ भी इश्यूज़ फील कर रहे हो तो आ, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एट्थ हाउस ऑकल्ट को भी डिनोट करता है एस्ट्रोलॉजी को भी डिनोट करता है तो उन सारी फ़ील्ड में थोड़ा सा आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो तो जिस वजह से जो ये पेन है वो आपको थोड़ा सा कम फील होगा ठीक है तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है आप लोग ना कहीं ना कहीं जो गलत इंसान है आप उन्हीं को हमेशा अट्रैक्ट कर हो एक ही तरीके का रिलेशनशिप पैटर्न आपके लाइफ में आपको नज़र आ सकता है तो ये आपको थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है ठीक है तो अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी वाला सिचुएशन है जो कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन तो देगा बट उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप को किस तरीके से यूज़ करना है वो आपके हाथ में है ठीक है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वेनस आपको एज में बैठ के एक आ, मतलब आप बहुत एज तक भी मतलब यंग लग सकते हो ये भी देखा गया है मतलब क्योंकि वेनस कहीं ना कहीं वो संजीवनी जो पावर है उसको दिखाता है तो रिजुविनेशन जो पावर है तो इस वजह से ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता है बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका वो ऑब्सेशन रहेगा वो पॉजिटिवनेस भी रह सकता है आप अपने पार्टनर की सीक्रेट्स हमेशा जानने की कोशिश करते होगे आप अपने पार्टनर को लेकर रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता होगा आप बहुत ज़्यादा ओपन जो पार्टनर रहते हैं मतलब आपको उनके बारे में सब कुछ एक ही मीटिंग में पता चल गया ऐसे टाइप के पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो ये भी देखा गया है मैं यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट इन एथ हाउस वालों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है आपका इंट्यूशन पावर आपको पता चल जाता होगा पहले से ही कि ये रिलेशनशिप मतलब कहाँ तक जाएगा या फिर ये पर्सन मेरे तरफ किस वजह से आ रहा है किस वजह से वो अट्रैक्टेड है तो ये आपको पहले से पता चल जाता होगा तो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन ठीक है अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके मैरिज रिलेटेड डिसीजन लीजिए तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है आप लोगों का तो इसीलिए उसके ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपका वेनस ट्वेल्थ हाउस में है तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग ये मानते हैं कि वेनस अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो इन पर्सन के कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वगैरह वगैरह क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जैसे कि बेड प्लेजर को डिनोट करता है तो बहुत पर्सन के माइंड में यही बात फिक्स हो जाती है बट आप लोग भूल जाते हो कि ट्वेल्थ हाउस आपके इमेजिनेशन को भी दिखाता है आपके यहाँ पर स्परिचुअल साइड को भी दिखाता है और वेनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाइसिस में जाके एग्जॉल्टेड होता है जो कि नेचुरल जोरिया के ट्वेल्थ हाउस माने जाते हैं तो इसलिए वेनस हमेशा ट्वेल्थ हाउस में बैठ के खराब नहीं करते हैं ठीक है अब देखिए वेनस अगर ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है तो बेसिकली आप लोग एक आइडियल रिलेशनशिप चाहते हो एक डिवाइन किस्म के रिलेशनशिप भी मैं ऐसे बोल सकती हूँ और काफ़ी ज़्यादा आप लोग इमेजिनेटिव रहते हो अपने रिलेशनशिप को लेके अपने मैरिज को लेके कि इस टाइप की मैरिज मुझे चाहिए इस टाइप की रिलेशनशिप मुझे चाहिए तो ऐसा आपका रहता है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग जब रिलेशनशिप में जाते हो बहुत ज़्यादा आप लोग कॉम्पेशनेट लवर होते हो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो लॉयल रहते हो बट आप Uh, जिन पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके लॉयल्टी का वो यहाँ पे मिस यूज़ करें बिकॉज आप अपने इमेजिनेशन में ही इतने खोए रह जाओगे कि आपको वो रियलिटी नज़र ही नहीं आती कभी कभी तो यहाँ पे आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कभी कभी इमेजिनेशन में रहना ड्रीमी नेचर होना अच्छी बात है बट रियलिटी मतलब जो आपका प्रैक्टिकलिटी है उसको भी देखना ज़रूरी है हमेशा अगर आप ड्रीम में होगी तो यहां पे बहुत आ, सारी चीजें आपके आंखों के सामने रहेगी बट आपको वो पता नहीं चलेगा मतलब आपके आंखों के सामने ही आपके पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहे हैं बट आपको वो पता नहीं चल रहा है तो ऐसे किस्म के देखा गया है और यहां पर देखिए वेनस अगर ट्वेल्थ में है तो ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत ज्यादा अच्छे कर सकते हैं बहुत अच्छे आ, मतलब कुछ भी डांस म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे कर सकते हैं यहाँ पे ये पर्सन अपने लव रिलेशनशिप या फिर अपने पार्टनर के लिए स्पेंड भी मनी करते हैं और तो यहाँ पर स्पेंडिंग नेचर देखा गया है स्पेशली अगर ये मेल चार्ट में है तो आपकी वाइफ थोड़ी सी स्पेंडिंग नेचर वाली हो सकती हैं और यहाँ पे ये पर्सन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अकेले रहते हैं बिकॉज यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन है आपका जो भी लोनडी uh, प्लेसेस है फॉरेन लैंड है तो यहाँ पे ये पर्सन जाके बहुत ज़्यादा सुकून इनको महसूस होता होगा हैप्पीनेस इनको फील होता होगा फॉरेन लैंड में जाके या फिर आइसोलेशन में रह के अकेले रह के इनको कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता होगा बट ये बहुत जल्दी उस अकेलेपन से भी डर जाते होंगे क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका जो इनर फियर है वो भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है या फिर जो एस्केप करने की टेंडेंसी है भाग जाने की टेंडेंसी है वो भी दिखाता है तो ट्वेल्थ हाउस में होने के कारण ये लोग बहुत दिन तक आ, मतलब उस आइसोलेशन में नहीं रह पाते फिर वहाँ से निकल के फिर से वो रिलेशनशिप ढूंढने चले जाते हैं और जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में तो इनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आपका विनस सपोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ्रिक्शन में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं या फिर देखिए ट्वेल्थ हाउस भी एक सिक्रेटिव हाउस है तो कुछ भी सीक्रेट अफेयर्स आपका यहाँ पे रह सकता है तो उस चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और यहाँ पे एक yes, यस यहाँ पे वेनस ट्वेल्थ में बैठ के ऑब्वियसली फॉरेन पाउस का एक इंडिकेशन दे देता है बट यहाँ पे आप देखिए ऐसा भी कर सकते हो कि सपोज आप अपने आप मैरिड हो सपोज और आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप कुछ भी हॉस्पिटल्स वग़ैरह में अगर इन्वेस्ट कर पाओ या फिर चैरिटी में या फिर किसी भी मेंटल असाइलम व वगैरह जो होता है वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से आप मदद कर पाओ तो उन सारे मतलब आश्रम एन जी ओ यहाँ पर आप कुछ मदद कर पाओ मतलब यहाँ पर देखिए सिक्स हाउस के ऊपर भी एक एस्पेक्ट वेनस ट्वेल्थ हाउस से बैठ के दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ भी हेल्थ इशूज़ वगैरह भी हो सकता है शादी के बाद या फिर आपके पार्टनर के अंदर तो उन सारी चीज़ को अगर आप फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के लिए जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए काम करो उनकी मदद करो तो यहाँ पर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है ठीक है।, है और यहां पे देखिए आप बहुत ज़्यादा आइडियल लवर हो आप कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन चाहते हो और आ, मतलब आपके लिए ये रहेगा कि मेरे पार्टनर ही हो मेरे सब कुछ तो इस टाइप का आपका आ, मतलब एक आ, थिंकिंग रहेगा बट यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि प्रैक्टिकली आपको किस टाइप के पार्टनर मिले हैं और उनके साथ आपको कैसे डील करना है ठीक है तो यहाँ पे वो चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बेसिकली यहाँ पे वेनस अगर ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड है तो ये कहीं ना कहीं ये लोग होते हैं जो सोल कनेक्शन सोल मे ट्विन फ्लेम इस टाइप के वर्ड्स आप इनके मुंह से सुन सकते हो जो कि ये लोग बहुत ज़्यादा इन सारी वर्ड्स को प्रायोरिटी देते होंगे और ये लोग बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर रहते हैं रिलेशनशिप वग़ैरह में जब जाते हैं बट यहाँ पे इनका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ज़्यादा इमेजिनेशन में ये कहीं ना कहीं रियलिटी को भूल जाते हैं तो ये मेन पॉइंट है और यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होके अपने पार्टनर के लिए हमेशा मतलब ऐसे मतलब इमोशनली अवेलेबल रहते होंगे फिजिकली अवेलेबल रहते होंगे मनी भी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते होंगे तो इसकी मत मतलब बहुत हाई टेंडेंसी रहती है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे आप लोग योगा कीजिए एक साथ मेडिटेशन कीजिए दोनों एक साथ तो यहाँ पे आप ट्वेल्थ हाउस रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे ओके okay? ओवरऑल यहाँ पे अगर आपका वेनस सिक्स एट्थ या फिर ट्वेल्थ में है तो आपको किन किन चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कैसे अपनी रिलेशनशिप को आप बेटर कर पाओगे उसी के ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय